यह है भगवादारी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद। जनपद पीलीभीत के 128 विधानसभा बरखेड़ा से विधायक हैं स्वामी प्रवक्तानंद। हर रोज की तरह आज भी श्री परम अक्रिय धाम आश्रम खमरिया पुल से गांव-गांव पंचायत लगाकर जनता की जन समस्याएं सुनने कई गांव के भ्रमण पर निकले विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने सिसैया गांव में बने अमृत सरोवर पर रुककर अपना टिफिन निकाला और भोजन के लिए बैठ गए। दरअसल स्वामी प्रवक्तानंद अपने आश्रम से सुबह जल्दी ही जनता की समस्याओं को सुनने निकल जाते हैं। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि हमारी संस्कृति में पहले कुआं और तालाब हुआ करते थे, जिनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरानी धरोहरों को वापस करने का काम किया है। तालाबों से हमारे पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए जीवन मिलता है। ये एक ऐसे विधायक हैं जो अपना पूरा समय अपनी देवतुल्य जनता के लिए देते हैं। सुबह आश्रम से निकल जाते हैं और लगभग एक दर्जन गांव का भ्रमण कर हर रोज जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं का निदान करवाते हैं और खाने का टिफिन अपने साथ लेकर चलते हैं। जहां थोड़ा मौका मिलता है वहीं भोजन कर लेते हैं। आज यहां अपने अमृत सरोवर में जलपान किया है। अमृत सरोवर योजना के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लौकहा गांव में आया था, तो रास्ते से निकल रहा था। ये सिसैया ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गांव-गांव हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर की स्थापना हुई। पाकर का पेड़ था, बड़ी सुंदर छाया थी, देखकर रहा नहीं गया। और सुबह में प्रातः जल्दी कुछ खा नहीं पाता हूँ, भीड़ बहुत होती है आश्रम में, तो अभी मौका लगा तो यहाँ छाया में बैठकर दो रोटी खाई और मुझे बड़ा सुंदर दृश्य लगा कि हमारे गांव में जो संस्कृति मिटती जा रही थी वो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः जीवंत करने का काम किया है। बड़ा सुंदर ये सरोवर है और अभी तो निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। इससे गांव और समाज में काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा और इसका लोगों को सीधा सीधा लाभ भी मिलने वाला है। हमारे पोखरों में पहले पानी भरा होता था तो गाय, बैल, भैंस सभी लोग आराम से जल पिया करते थे, पर बीच में हमारी संस्कृति मिटने की कगार पर थी। तालाब लोगों ने पाट दिए थे भूमाफियाओं ने, पर योगी सरकार और मोदी सरकार ने पुनः से जीवंत कर दिए हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।